कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर उलटने वाले ऑयल टैंकर को ताहाल हटाया ना जा सका। हादसे को 12 घंटे गुजर गए हैं। टैंकर हटाने के लिए क्रेन का इंतजार है। बलोच पुल से शहीद मिल्लत रोड और कयूमाबाद आने और जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। शाहराह-ए-फैसल समेत अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे हुजैफा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हुजैफा, एक तो बताइएगा कि आवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना है, यकीनन ट्रैफिक जैम है, और ऑयल टैंकर को हटाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कब तक ये हटा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बलोच कॉलोनी पुल के ऊपर मौजूद हूँ। जिस तरीके आपने बात की कि 12 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक ऑयल टैंकर नहीं हटाया गया। गुज़श्ता रात ये वाक़या पेश आया, उसके बाद कार को निकाला गया और उसमें जो शख्स जाबाक हुआ था उसको निकाला गया। अभी हिकमत अमली अपनाई गई है कि टैंकर को पहले मुकम्मल तौर पर खाली कर लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर तेल मौजूद है और आग लगने का भी खदशा मौजूद है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू के रज़ाकार भी मौजूद हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर के एक टैंकर बुला लिए गए जिसमें मशीन के ज़रिए तमाम तर ऑयल पहले उस टैंकर में खाली किया जाएगा और उसके बाद हैवी क्रेन के जरिए जो है यहाँ से टैंकर को उठाया जाएगा। इस वक्त भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड और दीगर जितने भी रज़ाकार हैं वो मौजूद हैं कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं तो वो भी रोडों पे आ रहे हैं। पुलिस जो है वो लाठी चार्ज भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को यहाँ से दूर रखा जाके, चूँकि ये ट्रैक जो है वो डिफेंस भी जाता है, महमूदाबाद भी जाता है, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी कामों की तरफ जाते हैं। तो जो ये दोनों ट्रैक बंद होने की वजह से जो शाहराह-ए-फैसल है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। और ये आज ऑफिस का दिन है तो कारसाज से लेकर नर्सरी तक मुकम्मल तौर पर जो है आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि गाड़ियां पैक हुई हुई हैं, जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी देर से, तकरीबन 3 से 4 घंटे से मुसलसल ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। तो गाड़ियों को निकलने की ज़रूरत नहीं मिल रही, लोग अपने दफातर नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से शहरियों को तो मुश्किलात के सामने है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त यहाँ पेश आ रही है क्योंकि इसके अंदर आतिश की माद है और अल्लाह ना करे अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो गया तो वो बड़े पैमाने पर भी जा सकता है। तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको खाली करें और खाली करने के बाद जब इसका वेट लाइट हो जाए तो हैवी मशीनरी के जरिए इसको यहाँ से हटाएं और दोनों ट्रैक जो है वो खोल दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका हुजैफा, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलटने के बाइस अतराफ में शदीद ट्रैफिक जाम है, जैसे मनाज़र में भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हुजैफा भी हमें बता रहे हैं कि शाहराह-ए-फैसल पर इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव है। शहीद मिल्लत रोड, शाहराह-ए-फैसल, कयूमाबाद और करंगी कॉजवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली शाहराह-ए-फैसल पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। फरवा, आप बताइएगा कि कितना दबाव है, कितना रश है शाहराह-ए-फैसल पर? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हादसे के बायस शाहराह-ए-फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम है। जो दफातर जाने वाले और दीगर कामों पर जाने वाले हैं उनको शदीद किस्म की परेशानी का सामना हो रहा है। हमारे साथ DSP ट्रैफिक सफदर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कौन सा मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया है और रास्ता कौन से बंद किए गए। रात को ये 1 या 2 बजे के करीब ये ऑयल टैंकर करंगी डिफेंस की तरफ जाते हुए बलोच कॉलोनी पुल के ऊपर उलट गया है, एक कार के ऊपर। और आयल चूँकि पूरे रोड पे फैल चुका है और उस पर पैदल चलना भी दुश्वार है तो गाड़ियों को गुजरना तो बिल्कुल मुश्किल होगा। उसकी वजह से हमने यहाँ डाइवर्शन लगाई है ताकि लोग ऊपर ना जाएं और महफूज तरीके से शाहराह-ए-फैसल को इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल मकसूद पे चले जाएँ। कौन सा रास्ता बंद किया है और मुतबादिल कौन सा रास्ता है? अभी फ़िलहाल हमने यही रास्ता ऊपर जो डिफेंस कोरंगी को जा रहा है हमने इसी को फ़िलहाल ब्लॉक किया हुआ है। जब तक वो रेस्क्यू नहीं हो जाता, टैंकर उठ नहीं जाता, वो भी अभी तक उल्टा हुआ है, जब तक आयल क्लियर नहीं हो जाता जब तक तो ये इसको ब्लॉक है। क्या कब तक कि ये रास्ता क्लियर हो जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी मामूल पे आ जाए, क्योंकि शहरियों को इंतहा परेशानी का सामना? देखिए वहाँ तो रेस्क्यू की टीमें चली गई हैं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं कि कितनी देर तक वो उसको क्लियर करेंगे। तो जब तक वो होता नहीं हम तो यहाँ पर मौजूद हैं लोगों को सहूलत देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप ये रास्ते चले जाएँ। मुतबादिल रास्ते लोगों को बताए जा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी अभी भी मुतासिर है, जो दफातर जाने वाले हैं और दीगर कामों से के लिए जाने वाले हैं उनको परेशानी का सामना है। काम चल रहा है, टैंकर ताहाल अभी भी वहां मौजूद है जिसके बायस ये ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। जी फरवा, आपको बहुत शुक्रिया। कराची में बलोच कॉलोनी पुल ट्रैफिक के लिए बंद होने पर शहरी परेशान हैं, कहते हैं मिनट्स का सफर घंटों में तय हो रहा है। पुल को ट्रैफिक के लिए फौरी खोला जाए। 15 मिनट के रास्ता मेरा 1 घंटे में चेंज हो गया है। आवाम परेशान है और रोड बंद है, ट्रैफिक जाम है, ये सुबह से यही प्रॉब्लम चल रही है, हर तरफ से रास्ते बंद हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है हमारा। हम सुबह निकले हुए, मैं निकला हूँ 10:30 बजे से निकला हूँ, अभी टाइम देख लेंगे टाइम, और मैंने पहुँचना है जिन्ना हॉस्पिटल और अभी 1.5 घंटा हो गया हमारे को इस ट्रैफिक के अंदर।